आज की खास रेसिपी हम लेके आए हैं करेला का भरुआ। तो आज हम बनाएंगे करेले का भरुआ, देखते हैं इसको कैसे तैयार किया जाता है। सबसे पहले इसे कट किया जाएगा और इसके अंदर के चीज़ को निकाल लिया जाएगा और उसे मसाले में इस्तेमाल किया जाएगा, फिर इसे हम बॉईल करेंगे। तो चलिए देखते हैं कैसे बनता है करेले का भरुआ। ये देखिए, मैंने करेला को पूरी तरह से छिल लिया है, बीच से कट किया है और इसके अंदर वाले सारे पार्ट्स को मैंने यहाँ जमा कर लिया है। इसे मुझे मसाले में डालना है ग्राइंड करके। सबसे पहले करेला को स्टीम देना है और 3 से 4 मिनट हम अभी ओवन में स्टीम में डालेंगे। तो चलिए देखते हैं प्रोसेस क्या है। मैंने स्टीमर लिया है और इसमें 1 कप आपको पानी डालना है, 1 टीस्पून नमक और इसमें सारे करेले को डाल देना है। तीन से चार मिनट इसे मुझे स्टीम में डालना है। देखिए, मैंने ओवन में डाल दिया स्टीम के लिए और 4 मिनट का टाइम भी सेट कर दिया है। अब इसे स्टीम होने देते हैं। तक करेला ओवन में बेक हो रहा है तब तक हम मसाला तैयार कर लेते हैं, जिससे उसका पेस्ट तैयार हो सके करेला का। तो चलिए देखते हैं उसमें क्या क्या मिलाना है। ये मैंने टमाटर लिया है, एक बड़े साइज़ के टमाटर के आकार का है आपको लेना है। ये चेरी टोमेटो है, बहुत छोटा होता है इसलिए मैंने एक टमाटर के साइज़ का इतना चेरी टोमेटो लिया है। ये 2 इंच अदरक है कटी हुई, ये प्याज है एक बड़े साइज का कटा हुआ और कुछ कलियाँ लहसुन की। इसे सबको हल्का सा क्रश करना है मिक्सी में। तो चलिए क्रश कर लेते हैं तब तक। ये देखिए, मैंने प्याज लहसुन और अदरक का को क्रश कर लिया है मिक्सी में, बहुत नहीं पीसना है। टमाटर मुझे ऊपर से डालना है, मैंने उसे क्रश नहीं किया है। अब करेले के बीज को हमें क्रश करना है, तो चलिए क्रश कर लेते हैं। ये देखिए, सारे मसाले मैंने क्रश कर लिए हैं। ये आम और हरी धनिया की चटनी है जो इसमें खटाई का काम करेगा और खटाई डालने से करेला तीता नहीं लगता है। ये करेले का बीज हो गया, ये प्याज लहसुन और अदरक हो गया। ये मैंने तड़का के लिए फ़ोरन लिया है, हींग है 1-2-3 चुटकी, 1/2 टीस्पून जीरा, 1/2 टीस्पून मेथी के दाने, 2 तेज़पात और 2 खड़ी लाल मिर्च। मसाले में मैंने लिया है हल्दी 1 टीस्पून, 1/2 टीस्पून जीरा, 2 पिंच गरम मसाला, धनिया पाउडर है 1.5 टीस्पून, ये ज़्यादा पड़ता है, रेड चिल्ली पाउडर 1/2 टीस्पून और थोड़ा सा चाट मसाला, नमक स्वादानुसार डालना है। तो चलिए अब शुरू करते हैं कि इसका मसाला कैसे फ्राई करना है। मैंने कढ़ाई गरम कर लिया है, सरसों तेल का इस्तेमाल करना है, उससे फ्लेवर अच्छा आता है। तेल हमारा गरम हो गया है, अब इसमें तड़का का आइटम डाल दें। इसे थोड़ी देर पकने दें, जब थोड़ा लाल हो जाएगा तब सारा मसाला इसमें डाल दिया जाएगा। देखिए, हमारा मसाला हल्का लाल हो गया है, अब इसमें हम चेरी टोमेटो डाल देंगे। इसे भी बहुत अच्छी तरह से भूनना है और भूनने के बाद जब टोमेटो गल जाएगा तब इसमें मसाला डालेंगे। इसमें टूट गया है सारा टमाटर, अब इसमें मसाला डाल देंगे। जो मैंने मसाला लिया था ये मसाला सब इसमें डाल देंगे। ये नमक है, नमक मैंने 1.5 टीस्पून लिया है।
इसमें ये हरी चटनी डाल देंगे, आम और कच्चे आम और हरी हरी धनिया इसमें है। अब ये मसाला थोड़ी देर में फिलिंग्स के लिए, हल्का सा इसमें पानी डाल दें। मसाला बहुत बढ़िया से पक जाएगा और कम आंच पर 2 मिनट के लिए छोड़ दें, मसाला रेडी हो जाएगा। ये मसाला पूरी तरह से तैयार है और अब मुझे इसे उतारना है। तो उतारने के पहले हम इसमें थोड़ा सा कटा हुआ धनिया डाल देंगे, उससे फ्लेवर अच्छा आता है। इसे मिला देंगे और उसके बाद इसे करेले में भर के तलेंगे। ये देखिए हमारा करेला बेक बढ़िया से स्टीम हो गया है। ये इसमें नाइफ घुस जा रहा है। अब इसमें मसाला भर के और उसे बस फ्राई करना है। करेले का ये पोर्शन काट के पीछे वाला भाग निकाल देना है ताकि तलने में दिक्कत ना हो। देखिए 1 स्पून के हिसाब से करेले में फिलिंग्स डालना है। बहुत ज़्यादा डालने से मसाला बाहर तलने के समय बाहर फेंक देता है, तो बस हम इतना ही मसाला डालेंगे और इस तरह से सारे करेले में फिलिंग्स डाल देंगे। ये देखिए कढ़ाई में मैंने तेल डाल दिया है, थोड़ा सा और डालना है, पूरा ओवरफ्लो नहीं करना है, नहीं तो करेला उसमें घुस जाएगा और तलने में दिक्कत होगी। और इस तरह से तेल गर्म हो चुका है, जिधर कटी हुई भाग है उसको साइड में रखना है, किनारे में रखते जाइए। अब करेला देखिए पक गया है, अब इसे हम पलट देंगे, दूसरी तरफ पकाएंगे। इस तरह से सारे करेले को दूसरी तरफ पलट देना है। फोर्क का इस्तेमाल करें उलटने में, जब सुविधा होती है। ये देखिए पलट गया है, थोड़ी देर में ये करेला रेडी हो जाएगा। ये देखिए करेला पक के तैयार है पूरी तरह से, इसमें ये फोर्क घुस जा रहा है, अब इसे हम निकाल लेंगे। लीजिए हमारा करेला बनकर तैयार है। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई तो एक बार आप बना के ज़रूर ट्राई करें। लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।